सो गाइस BGMI में आने वाले 1.8 अपडेट में जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। वीडियो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस चलते हैं हम इस 1.8 अपडेट की तरफ। तो शुरुआत करते हैं गाइस इसकी लॉबी से। तो इसका लॉबी का गाइस आप लोग अभी देख पा रहे हैं ऊपर साइड में जो गाइस इसके शॉप के ऑप्शन है एंड जो क्रेट का ऑप्शन है वो सभी यहां पे चेंज हो चुके हैं। एंड यहां पे गाइस आप स्टार्ट वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं, उसके ऊपर जो मैप वाला ऑप्शन है वो भी देख पा रहे हैं गाइस, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉबी में भी यहाँ पे जायरोस्कोप काम कर रहा है। अगर अपने मोबाइल का मूवमेंट हम इधर से उधर करते हैं जैसे कि जायरोस्कोप में होता है, आई थिंक आप लोग जानते होंगे, तो लॉबी में लेफ्ट हैंड राइट साइड अप एंड डाउन साइड मूव हो रहा है। तो कुल मिला के गाइस लॉबी में भी इसका जायरोस्कोप वर्क कर रहा है। तो और थोड़ा गाइस आगे आएंगे तो यहाँ पे मैप वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी गाइस देख पा रहे हैं काफी चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले यहाँ पे गाइस आपको मैप कुछ और तरह से दिखते हैं और आने वाले 1.8 अपडेट में आपको कुछ इस तरह से मैप देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे आपको एक न्यू मैप देखने को मिल रहा है जो की है आफ्टर मैथ। तो इसका भी गाइस गेम प्ले आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली ये हमारा जो आफ्टर मैथ का मैच है वो डाउनलोड हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम गाइस इसके कुछ चेंजेस देख लेते हैं। तो जैसे डाउनलोड हुआ गाइस उस पर क्लिक करने के बाद जो भी उसका प्रीव्यू चेंजेस होता है वो यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द वॉल्केनिक इरप्शन ऑन लिविक हैज मेल्टेड द स्नो एंड चेंजेस द टेरेन ड्रास्टिकली। इसका मतलब गाइज ये है कि जो हमारा लिविक मैप था उसमें यहाँ पर गाइज ज्वालामुखी आ गया था और उसमें काफी सारे मैप में चेंजेस हो गए। अभी आप इसका गाइज गेम प्ले देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। एंड गाइज थोड़ा और आगे वाला प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है मेक इट इजियर टू एम फायर आर्म्स एंड प्रोवाइड मोर बैटल फील्ड इन्फॉर्मेशन। एंड उसके राइट साइड में लिखा हुआ है रिकॉल डिफीटेड टीम मेट बैक टू द बैटल फील्ड। जैसे गाइस थोड़ा और आगे आएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यूज द जिप लाइन टू मूव एरो क्विकली, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पहुंचने के लिए यहाँ पे आपको वायर दिया हुआ है और यहाँ से अगर आप लटकते हुए जाएंगे तो काफी दूर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे क्योंकि मैप में आपको लोकेशन दिखा देगा कि आप अगर यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप कहाँ पर पहुंचेंगे। उसी के राइट साइड गाइस देखेंगे और एक ऑप्शन आपको शो कर रहा है परचेज सप्लाई फ्रॉम द शॉप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मैप। तो यहाँ पे गाइस गेम के अंदर गाइस एक शॉप टाइप की दे रहेगी जिसमें आपको जो है वहाँ से कुछ आप आइटम जो है परचेज कर सकते जैसे गन वगैरह हो गया, तो उसके लिए गाइस आपको गोल्डन कॉइन की जरूरत पड़ेगी, वो भी आगे हम आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं। एंड राइट साइड में गाइस देख पा रहे हैं ये एक सील्ड का अपडेट आया हुआ है। सील्ड का अपडेट मतलब ये है गाइस यहाँ पे आपकी जो पहले सील्ड थी इस मैच में, जो पहले के वर्जन में सील्ड थी जो कि अभी इस टाइम फिलहाल आप खेल रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं मिरर वर्ल्ड में आपको एक सील्ड मिलती है जो कि काफी छोटी रहती है, बट इस वाले में गाइस इतनी बड़ी सील्ड रहेगी कि इसमें आपकी पूरी स्क्वाड आ जाएगी। तो अभी हम आपको गेम प्ले में वो भी दिखाने वाले। तो चलो गाइस जल्दी से इसका गेम प्ले भी करके देख लेते हैं इस मैप का एंड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आगे वो भी आप देखने वाले हैं। तो ये गाइज इस टाइप से कुछ मैप का लुक है, सभी मैप्स की जो लोकेशन से वो लिख कर आ रही हैं और मैप देख पा रहे हैं गाइज लिविक में कुछ और कलर था, यहाँ पे कुछ और कलर है, बट गाइज मैप पूरा सेम है और इस मैप में गाइज काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं। आई थिंक हम यहाँ पे मिड स्टैंड पे जंप करते हैं, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हैं कितना सारा सब कुछ चेंज हो चुका है, जो कि हमारा अपार्टमेंट वाला जो बिल्डिंग था वो देख पा रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पे टूट चुका है। जैसे कि हमारे इस लिविक मैप में ज्वालामुखी वगैरह या फिर और कोई घटना हुई है जिसकी वजह से ये हमारा जो है टूट चुका है, जैसे हमारा एरंगल 2.0 में हुआ था जो कि मिलिट्री बेस में ब्रिज था, वो भी जैसे देख पा रहे थे ऊपर स्टाइल से जो है टूट गया था। और ये सील वाला गाइस जो ऑप्शन अभी देख पा रहे हैं जो हमने अपडेट में आपको दिखाया था कि जिसमें आपको पूरी स्क्वाड आ जाएगी, ये वही अपडेट है गाइस देख पा रहे हैं कितनी बड़ी शील्ड है। एंड अगर एक शील्ड भी आप लगा लेते हैं सामने अगर आपके बंदे हैं तो पूरी स्क्वाड गाइस इसमें आपकी कवर हो जाएगी बहुत ही इजीली, ठीक है। तो ये भी गाइस एक सील वाला अपडेट है, आई थिंक आप लोगों को देखने में कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद जो हमने आपको शॉप वाला ऑप्शन बताया था कि यहाँ पे आपका जो शॉप का ऑप्शन रहेगा उससे आप कैसे जो है गन वगैरह हो गए और जितने भी यहाँ पे आइटम्स है कैसे ले पाएंगे, तो ये भी गाइस आप लोग एक बार देख लो कि यहाँ पे जो शॉप का ऑप्शन आपको शो हो रहा है उसके पास थोड़ा आपको जाना है, देन इस टाइप से ये कुछ मशीन आपके सामने आ जाएगी और जैसे गाइस इसके पास आप जाएंगे आपको एक यूज करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और आपको यूज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जितने भी आइटम्स आप देख पा रहे हैं ये सभी यहाँ पे आप ले सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पे गोल्डन कॉइन्स होना चाहिए। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं हमारे पास 2 गोल्डन कॉइन अवेलेबल है। तो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पे एक मेडिकेट लेने वाला हूँ, तो मेडिकेट पे जैसे गाइस क्लिक करेंगे तो हमें मेडिकेट यहाँ पे मिल जाएगी। और गाइस थोड़ा आगे आते हैं तो जैसा कि मैंने आपको स्कोप वाला अपडेट बताया था वो मैं यहाँ पे अब आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो अभी गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारी जो AKM गन है इसमें कोई भी स्कोप नहीं लगा रखा है, ठीक है। AKM गन में फिर भी आपको यहाँ पे एक रेड डॉट टाइप से स्कोप देखने को मिल रहा है। और थोड़ा गाइस आगे आएंगे तो यहाँ पे हम जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपनी M4 भी 3X स्कोप हटा देते हैं, देन इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। 3X स्कोप हटाने के बाद भी इसमें स्कोप शो हो रहा है, तो ये भी गाइस एक अपडेट है
और इसमें जो डैमेज आप देख पा रहे हैं, जैसे हम एनिमी को जितने का भी डैमेज दे रहे हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एंड जो एनिमी की लोकेशंस है गाइज, वो पहले आप लोग नहीं देख पाते थे, सिर्फ मैप में ही आपको यहाँ पे दिखाता था कि एनिमी आपको कहाँ से मार रहा है एंड जो उसकी लोकेशंस है वो किस तरफ है, वो सिर्फ आपको फूट स्टेप वगैरह की जो लोकेशन थी वो आप मैप में देख पाते थे। बट अब गाइज यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे निशान देख पा रहे हैं, फुट स्टेप के निशान यहाँ पे आपको मैप में भी देखने को मिल रहे हैं एंड आपको सामने भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप गेम प्ले कर रहे हैं तो ऊपर साइड आप देख पा रहे हैं वहाँ पे फुट स्टेप का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब एनिमी हमारे जस्ट आगे है। तो उसी सील का गाइज आप इस तरह से यूज कर पाएंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, उसके बाद आप अपने एनिमी को इजिली किल भी कर पाएंगे और अपनी पूरी स्क्वाड को भी इसमें कवर कर पाएंगे। एंड थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये वही वाली कॉइन है गाइज जो मैंने आपको बताया था, इसमें आप शॉप में जाएंगे तो कुछ आइटम वहाँ पे आपको परचेज का ऑप्शन आ जाएगा, गन वगैरह हो गई, एमओ वगैरह हो गई, तो इससे आप जो है उसको एक्सचेंज कर पाएंगे। देन जैसे गाइज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, तो यहाँ पे आप गाइज आप देख पाएंगे कि जो मैंने आपको अपडेट बताया था कि जहाँ पे आपको वायर वगैरह मिलेगा जिससे आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो ये अपडेट है गाइज। इस गेम प्ले में आप इस अपडेट को देख पा रहे हैं, इसमें आप जैसे ही सामने आएंगे तो आपको एक लॉगो देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देन जैसे आप क्लिक करेंगे आप कितनी जल्दी गाइज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, और ऐसा नहीं है गाइज इससे आप वापस भी जा सकते हैं। जैसे गाइज आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे वापस जाने का भी ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। एंड एक और बात गाइज, अगर उधर से एनिमी आएगा और आप इधर से जाएंगे तो क्या होगा गाइज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे गाइज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग जोन में, और एक और इंटरेस्टिंग अपडेट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बॉट को जो है काफी सारे बॉट के चेंजेस करे गए हैं, मतलब बॉट जैसे पहले आपको किल करता था नॉर्मली उस टाइप से अब यहाँ पे नहीं है, आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा बॉट में। और यहाँ पे आई थिंक बॉट का जो लेवल है थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, जिससे अब बॉट जो है आपको काफी सारा डैमेज दे सकता है, बॉट आपके ऊपर मॉली कर सकता है, बॉट आपके ऊपर नेट कर सकता है। मतलब पहले वाले बॉट तो लेट ही जाते थे तो, बट यहाँ पे गए बॉट जो है बैठ भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं, जंप भी करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसका थोड़ा बहुत हम आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं बॉट का। तो इस बॉट को गाइज आप लोग ध्यान से देखना गाइज, ये बॉट जो है एकदम आपको जो पहले जैसा बॉट नहीं लगेगा, इसका जो लेवल है गाइज थोड़ा पहले से चेंज कर दिया गया है, थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। तो इस बॉट को गाइज आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज देख पा रहे हैं ये बॉट हमारे ऊपर मॉली कर रहा है, हालांकि नॉर्मली कोई भी बॉट आज तक मॉली नहीं किया था, पहली बार ऐसा हुआ है कि गाइज कोई बॉट जो है मॉली कर रहा है। तो देख पा रहे हैं गाइज ये बॉट ही है, ये कोई रियल बंदा नहीं है। अभी हम इसको किल करेंगे तो आप खुद ही देख लेना, और आप जो है पहले से हम जो है जितने भी इस गेम में बॉट को हमने किल किया है उस बॉट को देखने में आई थिंक आपने काफी सारे चेंजेस देखे होंगे। बॉट पहले की तरह यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर रहा है, काफी सारे बॉट में भी अपडेट किए गए हैं कि मतलब बॉट को पहले का लेवल जो है थोड़ा उसको हार्ड कर दिया गया है, बट इतना भी हार्ड नहीं किया गया कि जिससे आप जो है बॉट को आसानी से किल कर दे। बट ये बॉट जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आप किसी स्क्वाड्स के साथ लड़ रहे हैं और पीछे से किसी बॉट ने नेट कर दिया फिर मॉली कर दी, तो आपको आई थिंक काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे आपका गेम प्ले पूरा खराब हो जाएगा। बढ़ते हैं गाइस थोड़ा गेम प्ले में आगे, तो ये भी गाइस आप बॉट देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी भी गाइस थोड़ा आप मूवमेंट देखिए, पहले खड़ा होता है, उछलता है, जंप करता है, फिर लेटता है, ठीक है। तो ये गाइस बॉट ही है, इसको हम किल करेंगे तो इसका नाम आप पढ़ लेना, ये भी गाइस एक बॉट ही था। एंड ये जो गाइस आप राइट में देख पा रहे हैं ये भी एक बॉट ही है। तो गाइस जितने भी मैंने यहाँ पे आपको 1.8 के अपडेट में चेंजेस दिखाए हैं वो सभी अब 1.8 के अपडेट में आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रही होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।